अरुणोदय एक बार आप अपना अपना स्क्रीन शेयर कर दो तो दिख जाएगा वो हो रहा है कि जी सर, मैं कर रहा हूँ अपना स्क्रीन शेयर। सो इज माई स्क्रीन विजिबल? यस 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 परफेक्टली विजिबल। ओके सर। ऑलराइट, तो यूट्यूब पे वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और यूट्यूब पे भी हम लोग अभी लाइव हो चुके हैं। 5 मिनट पहले हम लोगों ने सेशन स्टार्ट कर दिया है बिकॉज वी वर टेस्टिंग टेक्निकल कोई बग वगैरह तो नहीं है। और बहुत एक्साइटिंग सेशन होने वाला है आज का। एज यू ऑल नो कि लास्ट सेशन हम लोगों ने किया था और बहुत प्यार एंड अप्रिसिएशन जो है वो हमारे एटमी लिटिल चैंपियन को राइट और उसी के आधार पे दोबारा सेशन सभी लोगों की डिमांड पे रखा गया है। और हम लोग बहुत सारी चीजों के बारे में आज डिस्कशन करने वाले हैं। अरुणोदय ने इसको इस तरीके से तैयार किया गया है किया है कि इसमें आपको एटमी वर्सेस अदर ब्रांड्स की कंपटीशन, उसमें आपको जो है इंग्रेडिएंट लेवल पे बोल दीजिए, प्राइसिंग लेवल पे सब चीजें जो है वो प्रिपेयर करके ये बता रहे हैं। सो डोंट मिस दिस राइट। और जानकारी होगी तो हम लोग जानकारी शेयर करेंगे और हम लोग अच्छे से जो है वो प्रोडक्ट के बारे में लोगों को समझा पाएंगे। और बहुत सारे लोग सॉरी बहुत सारे लोग हमारे पास में AITF फैमिली की तरफ से होंगे या इनफैक्ट प्रोडक्ट के बारे में उनका नॉलेज अच्छा होगा बिकॉज ये अरुणोदय ने बहुत कम समय में तैयार किया हुआ है। तो सभी लोग हेल्प कीजिएगा राइट। सभी लोग साथ में आके जब सेशन हम अरुणोदय का खत्म कर देंगे उसके बाद में सभी आके कीजिएगा और बताइएगा कि क्या और चीजें एड ऑन की जा सकती हैं ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा वैल्यू दे दें एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग बनाने के बाद में। और ये यूट्यूब पे लाइव रहेगा, कभी भी आप इसको देख सकते हो बार बार, है ना, तो सबके फायदे के लिए ये चीज हो जाएगी। ऑलराइट, सो हम लोग जस्ट 3 मिनट में स्टार्ट कर देंगे, तब तक यूट्यूब पे जूम पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वाइट कीजिए। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, हम लोग ज्यादा समय नहीं लेते हैं, लेट्स स्टार्ट। 1 मिनट रह गया है, तब तक बाकी सभी लोग जो है वो धीरे धीरे ज्वाइन कर लेंगे। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और अगेन आप सभी लोगों का स्वागत है। हमने एक ये इनिशिएटिव लिया हुआ था और पिछले हफ्ते हम लोगों ने ये इनिशिएटिव वीक हम लोगों ने इसे जो कंडक्ट किया था वो समय था ट्यूजडे का, मंगलवार का राइट। और मंगलवार में हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया था कि एक 13 साल का एक जीनियस बच्चा है जिसे लगभग सभी प्रोडक्ट्स के बारे में डेप्थ में नॉलेज है, वो सीखना पसंद करता है, वो सिखाना पसंद करता है और उसे बहुत अच्छा लगता है प्रोडक्ट्स एंड ट्रेनिंग के बारे में बात करने में। और मेरा इंट्रैक्शन इनसे जो हुआ था वो हमारी के एक डायनेमिक लीडर है दीपक गुप्ता जी, इन्होंने इनका परिचय दिया था। और लगभग 1 घंटे की मीटिंग के बाद में मैं इनके नॉलेज को सुन के हैरान था और मैं शॉक कि इतनी कम उम्र में जब हमें कुछ बेसिक चीजें भी नहीं समझती थी
इतनी कम उम्र में कोई व्यक्ति, कोई बच्चा इतना ज्यादा जानकारी कैसे रख सकता है, वो भी इंटायर, मतलब चाहे हेल्थ प्रोडक्ट हो, पर्सनल केयर हो, कॉस्मेटिक हो, कोई भी प्रोडक्ट के बारे में इतनी जानकारी कैसे रख सकता है। एंड मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, आप इन्हें टॉपिक दीजिए एंड ये जो है वो पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल के आपको जो है वो दे देंगे। सो और जिस उम्र में ये कर रहे हैं ना, इट्स नियर टू इम्पॉसिबल, नहीं देखा अच्छे अच्छे लोगों को ऐसा करते हुए, राइट। So, एक बार हम सब लोग पहले तो मिलके सभी लोगों को मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, एक बार ग्रैंड वेलकम करते हैं, एक बार ग्रैंड करते हैं अरुणोदय का, जोरदार तालियां हो जाए अरुणोदय के लिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज अगेन। वेलकम अरुणोदय, वेलकम अगेन, वेलकम 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 लिटिल चैंप, वेलकम वेलकम वेलकम। ऑलराइट, और इसी के साथ में मैं एक रिक्वेस्ट सभी लोगों से और करूंगा, सभी के माइक ऑन है। हम जैसे कि कोई भी सेशन की शुरुआत करते हैं तो कंपनी के मोटो के साथ में करते हैं, तो एक बार सभी अगर पॉसिबल हो तो आप कैमरे पे आइए, हम लोग कंपनी मोटो के साथ में सेशन की शुरुआत करते हैं, राइट। सो आर यू रेडी फॉर द कंपनी मोटो? से यस, यस, यस। Cherish the spirit. Cherish the spirit. Cherish the vision. Follow the spirit. Create the vision. Humility. Faith. Come on, come on, come on, come on. थोड़ा cheer up कीजिए, cheer up, cheer up. Alright. Thank you so much. Thank you. थैंक यू सो मच ऑल, और एक्सलेंट स्टार्टिंग, और बहुत टाइम पे हम लोगों ने इस चीज को शुरुआत कर दिया ताकि हम लोग अगर Q&A भी होता है तो हम लोग Q&A भी हैंडल कर पाए। एंड राउंड ऑफ मान लीजिए कि 30-45 मिनट्स में जो है वो अरुणोदय अपना इस प्रेजेंटेशन को कंप्लीट कर देंगे, तब तक आप जूम एंड यूट्यूब शेयर कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन होने वाला है, दिस इज फॉर श्योर। पिछला भी वैसा ही रहा था, वो फर्स्ट था और उसमें एक दिन की प्लानिंग थी, अभी उनको अच्छा इनफ टाइम मिला था, एंड बीच में अरुणोदय का वैक्सीनेशन हुआ था तो उसके कारण से उसकी तबीयत भी थोड़ी सी डाउन थी, बट स्टिल मैंने जब पूछा कि क्या हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं तो ही सेज यस। तो बहुत काबिले तारीफ है कि इतना इच्छा शक्ति होना कि मैं ठीक हूँ, मैं जो है दोबारा करना चाहूंगा इस सेशन को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैट्स ऑफ टू यू अरुणोदय एंड वेलकम अगेन, और मजा आएगा आज के सेशन में। आप तैयार हैं और आप कितना एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए, मैं आपसे पूछना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सभी बड़ों को नमस्ते करूंगा और गुड इवनिंग एवरीवन, और नंबर वन कि मैं इस सेशन के लिए भी बहुत एक्साइटेड हूँ एज यूजुअल। तो चलिए अब शुरू करते हैं। आज का ये सेशन होने वाला है हमारा ओरल केयर सेट के साथ, तो हम ओरल केयर सेट के बारे में बात करेंगे। इस ओरल केयर सेट में मेन दो चीजें होती है, वो है एटमी के टूथपेस्ट और दूसरा है एटमी का टूथब्रश। तो हम फर्स्ट में स्टार्ट करते हैं एटमी के टूथपेस्ट के साथ। तो एटमी का टूथपेस्ट आपका माइक म्यूट हो गया। यस, मेरा माइक म्यूट हो गया था। तो मैं यही बोल रहा था कि हम फर्स्ट में स्टार्ट करने वाले हैं एटमी के टूथपेस्ट के साथ। तो एटमी का टूथपेस्ट मैंने भी यूज किया है, मेरे मम्मा ने भी यूज किया है, तो हम दोनों को ये बहुत अच्छा लगा है। अरुणोदय, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा लाउड बोलो आप, या तो माइक पास में रखो। अच्छा, ओके सर, इज माई वॉइस क्लियर नाउ सर? Yes, अभी क्लियर है। तो सर, मैं ये बताना चाहता था कि एटमी का टूथपेस्ट मैंने और मेरे मम्मा दोनों ने यूज किया है। तो इस एटमी के ये टूथपेस्ट को यूज करके मुझे और मेरे मम्मा को एक अमेजिंग रिजल्ट्स देखने को मिला है अपने ओरल केयर को लेके। तो हमारा टीथ बहुत जल्दी इम्प्रूव होने लगा था, उसमें जितने टाटार्स थे, जितने केमिकल रेसिड्यूज जम जाते हैं हमारे टूथ पे, हमारा टूथ येल्लो होने लगता है, वो सब कुछ एटमी के टूथपेस्ट ने विद इन 2 वीक्स ठीक करके दिया था, अगर हम उसको एटमी के टूथब्रश के साथ यूज करते हैं।
तो मैंने उसको और एटमी के टूथब्रश को एक साथ इन कॉम्बिनेशन यूज किया था, तो मुझे विदिन 2 वीक्स मेरा टीथ पहले की तरह रिस्टोर हो गया था, पहले की तरह एकदम चमकने लगा था। तो आज हम एटमी के टूथपेस्ट के बारे में ही बात करेंगे। तो एटमी के टूथपेस्ट मेन 3 चीजों से बना रहता है, वो है प्रोपोलिस, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स और जिनसेंग। तो अब दे चलिए देखते हैं कि प्रोपोलिस होता क्या है। तो प्रोपोलिस एक्चुअली बीज के द्वारा मिलता है हमें, हनी बीज के द्वारा। तो प्रोपोलिस एटमी टूथपेस्ट का वन ऑफ द मेन इंग्रेडिएंट्स है प्रोपोलिस। तो प्रोपोलिस बी हाइव्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बीज एक्चुअली एक नेचुरल केमिकल्स रिलीज करती है हनी को प्रोटेक्ट करने के लिए, हनी को स्टोर करने के लिए, और अपने बी हाइव अपने छत्ते को हील करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए कि उसमें बाहर के कोई धूल या फिर जर्म्स ना आ जाए। तो उसके लिए वो एक अलग टाइप का अरुणोदय, वॉइस केमिकल। वॉइस वॉइस ना आपका बहुत लो आ रहा है, सभी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। एक बार या तो ईयरफोन डिसकनेक्ट करके, लास्ट टाइम पे आपने ईयरफोन यूज किया था क्या? हाँ जी सर, मैंने ईयरफोन यूज किया था। अभी भी सेम है, ईयरफोन है? हाँ हाँ वही है सर। ओके ओके, थोड़ा सा लाउड बोलिए या तो माइक पास में उसका, क्योंकि क्लियर वॉइस नहीं आ रहा आपका। ओके सर, ओके सर। सर इज माई वॉइस क्लियर नाउ? थोड़ा सा लाउड बोलिए, थोड़ा सा लाउड बोलिए। अभी ओके आप सर। चैट पे बताइए सभी लोग, अगर वॉइस क्लियर हो तो। एवरीवन इज माई वॉइस क्लियर नाउ? ओके कंटिन्यू, लाउड बस रहिएगा, थोड़ा सा वॉइस स्लो आ रहा है बस इसलिए। ओके ओके सर, ओके सर। वेरी गुड मॉर्निंग। मैं ये बताना चाहता था कि प्रोपोलिस एक्चुअली हनी बीज के द्वारा सिक्रीट किया जाता है, रिलीज किया जाता है अपने हनी को वो छत्ते में प्रोटेक्ट करने के लिए। तो हनी एक्चुअली बहुत आपको पता ही होगा, तो हनी को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि बाहर से बहुत सारे धूल, बैक्टीरिया, वायरस सब हनी के तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो वो हनी को इन्फेक्ट करने के लिए आ जाते हैं। तो उसको अपने बी हाइव में, हनी को जब हनी बी स्टोर करते हैं तो हनी को प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर से एक प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ प्रोपोलिस वो बिछा देते हैं। तो वो एक नेचुरल प्रोटेक्टिव सब्सटेंस है जो आउटर जर्म्स को बिल्कुल एंटर नहीं करने देता है। और ये बहुत सारे हेल्थ सप्लीमेंट्स और एंटीबैक्टीरियल डेली नेसेसिटीज, जैसे कि हमारे एटमी के टूथपेस्ट में भी है और बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स में ये यूज होता है कि वो आपके एंटीबायोटिक्स, मतलब कि आपके टीथ को प्रोटेक्ट करने के लिए, आपके इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बहुत ज्यादा नेसेसिटी हो जाता है, क्योंकि प्रोपोलिस के पास इंटरनल हीलिंग और नेचुरल प्रोटेक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं जो आपके कोई भी ऑर्गन्स या फिर कोई भी चीज जिसके ऊपर आप प्रोपोलिस को यूज करते हैं तो वो उसको नेचुरली प्रोटेक्ट करता है। एटमी के टूथपेस्ट में प्रोपोलिस का एक बहुत ज्यादा ह्यूज प्रोपोर्शन होता है, जिसके वजह से एटमी का टूथपेस्ट इतना अच्छा से काम कर पाता है। एटमी के टूथपेस्ट में सेकेंड जो इंग्रेडिएंट आ जाता है वो होता है वाटर सोल्यूबल प्रोपोलिस एक्सट्रैक्ट कंटेंट, जो आपके डेंटल प्लेक, जो आपका व्हाइट एक देखेगा लेयर पड़ जाता है टीथ के ऊपर, एक बहुत फ्रॉस्ट व्हाइट टाइप का एक लेयर पड़ जाता है, तो उसको हटाने में बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। जैसे कि मैंने कहा था कि मैंने भी एटमी के टूथपेस्ट को यूज किया है, तो मुझे विद इन 1.5 वीक्स के अंदर मेरा जितने प्लेक था, मेरा जितना टार्टार था, वो सब कुछ हट गया, मेरे गम प्रॉब्लम्स ठीक हो गए और मेरे टीथ्स वापस पहले जैसे नॉर्मल कंडीशंस पे रिटर्न करने लगे। और अभी मैं बताऊं तो अभी मेरे टीथ जो येलोइश हो गए थे वो पूरे वापस व्हाइट हो गए हैं, पूरे वापस अभी स्पार्कल करते हैं। और मैंने आपको जैसे बताया कि एटमी के टूथपेस्ट में एक नेचुरल सब्सटेंस है जिसका नाम होता है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, जिसके वजह से आपका बैड ब्रेथ, जो गंदी एक स्मेल आती है, वो हट जाता है। उसका रिमूवल बहुत इफेक्टिवली किया जा सकता है अगर आप एटमी के प्रोपोलिस टूथपेस्ट को यूज करते हैं। एटमी के टूथपेस्ट में ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स है। ग्रीन टी एक में एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है कैटेचिन,
कैटेचिन एक मेजर इंग्रेडिएंट है ग्रीन टी का, जो हमारे इम्यून सिस्टम को भी बहुत ज्यादा पावर देता है, इम्यून पावर को बढ़ाता है। और पॉलीफेनल इंग्रेडिएंट्स है जो एंटीऑक्सीडेशन और एंटीबायोटिक इफेक्ट रखता है, जो रिमूवल ऑफ बैड ब्रेथ और डीऑर्गेनाइजिंग एक्शन को एनफोर्स करता है, जिसके वजह से आपका बैड ब्रेथ और कुछ गम प्रॉब्लम्स में आपका बहुत अच्छे से इफेक्ट्स दिखते हैं। और प्रोपोलिस एक्सट्रैक्ट मैंने जैसे आपको बताया, वो हनी बीज के द्वारा नेचुरली अपने हनी को प्रोटेक्ट करने के लिए सिक्रीट किया जाता है, रिलीज किया जाता है, और उसको हम एटमी टूथपेस्ट में बहुत अच्छे से यूज करते हैं कि हमारे टीथ और गम का हेल्थ सिचुएशन बहुत अच्छा रहे। एटमी के टूथपेस्ट में जो प्लेक होता है उसको रिमूव करने के लिए सिलिकॉन डाइऑक्साइड दिया जाता है, जिसके वजह से आपका प्लेक आराम से सिलिकॉन डाइऑक्साइड में घुल के वो एक पूरा लेयर बैक्टीरिया का निकल जाता है। वेल, प्लेक एक तरह का बैक्टीरिया ही है जो टूथ जो टीथ के सरफेस पे चिपक के बहुत सारे वाइट वाइट धब्बे छोड़ देते हैं, और वो धब्बे धीरे धीरे कैविटीज के रूप में बढ़ जाते हैं, और कैविटीज के वजह से आपको अपना टीथ को निकालना भी पड़ सकता है, उसके जगह पे आपको रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। तो अगर हम प्लेक को कवर अप नहीं करते हैं तो वो आगे जाके बैक्टीरिया फॉर्मेशन और फिर कैविटीज का रूप ले लेता है। तो प्लेक इसको करने के लिए, प्लेक को काउंटर करने के लिए हमारे एटमी के टूथपेस्ट में प्रोपोलिस तो दिया ही हुआ है, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट भी है, प्लस उसमें अलग से सिलिकॉन डाइऑक्साइड नाम का एक केमिकल रिलीज मतलब कि उस पे एडेड रहता है, जिसके वजह से आपका प्लेक फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं होता है टीथ पे। टार्टार जो होते हैं वो स्मॉल टाइप ऑफ गंक होते हैं, मतलब हम जो खाना खाते हैं उसके छोटे छोटे पीसेस कभी कभी हमारे मसूड़ों के बीच में अटक जाते हैं, तो बाय टाइम वो मसूड़ों के फूल जाते हैं और वो बहुत ज्यादा दर्द करते हैं। वो मसूड़े फूल जाने के वजह से वहां पे फिर बैक्टीरिया जन्म लेते हैं, और बैक्टीरिया धीरे धीरे हमारे मसूड़ों के अंदर जाके उसको धीरे धीरे क्या बोल सकते हैं, सड़ा देते हैं। गम्स सारे फूल जाते हैं, हमारे मसूड़े से खून आता है, हमारा गम्स फूल जाता है। इसको साइंटिफिकली जिंजाइटिविटीज बोलते हैं, और इसे कॉमन लैंग्वेज में टार्टार बोला जाता है, जिसको हमारे एटमी के टूथपेस्ट से इफेक्टिवली काउंटर करने के लिए सोडियम फायरोफॉस्फेट डाला जाता है, जो कि टार्टार फॉर्मेशन को बिल्कुल रोक देता है। सोडियम फायरोफॉस्फेट प्लेक और टाटा दोनों को कभी भी आपके टीथ पे बैठने या फिर जमने नहीं देता है। एटमी के टूथपेस्ट में ज़ाइलोटॉल और मोनोफ्लोरोफॉस्फेट सोडियम फ्लोरेट, जिसके वजह से हमारे बहुत सारे बैक्टीरियाज माउथ से हट जाते हैं, और इनमें से मैंने बताया कि बहुत सारे नेचुरली प्रोपोलिस में पाए जाते हैं, जिसके वजह से हमारा टूथ पे प्लेक फॉर्मेशन और बैक्टीरियल लेयर धीरे धीरे हटने लगते हैं। हम जैसे खाना खाते हैं तो खाने के छोटे छोटे पीसेस हमारे टीथ पे, हमारे गम के बीच में चिपक जाते हैं, हमारे मसूड़ों के थोड़े छोटे 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 होल्स में अटक जाते हैं, जिसके वजह से हमारा वहां पे टार्टार फॉर्म होता है। फिर उसके बाद टार्टार से धीरे धीरे हमारे मसूड़ों के अंदर वो जाता है, और जैसे मैंने बताया प्लेक के वजह से अगर आप प्लेक को काउंटर नहीं करते हैं एट अर्ली स्टेज, तो वो बाद में जाके कैविटीज का रूप लेते हैं। तो कैविटीज आपको पता है कि कैविटीज के बाद उसके बाद फिर आपको पूरा का पूरा दांत निकलवाना पड़ता है, पूरा टूथ को हटाना पड़ता है उसके जगह से। और अगर टार्टार हो जाए तो टार्टार आपके गम्स को फुला के, मसूड़ों को फुला के वो ब्लड आने लगता है। तो ये ज़ाइलोटॉल और मोनोफ्लोरोफॉस्फेट सोडियम फ्लोराइड आपके टीथ को इन बैक्टीरियल डीके से, इन बैक्टीरिया से होने वाले दिक्कतों से बचाता है। ये दो आर्टिफिशियली या फिर नेचुरली, ये एक्चुअली प्रोपोलिस में पाया जाता है नेचुरली, बट इनको और मात्रा में ऐड किया जाता है हमारे एटमी के प्रोपोलिस टूथपेस्ट में, कि आपके टीथ में प्लेक और टार्टर ये दो चीजों का कभी भी प्रॉब्लम ना हो। एटमी का टूथपेस्ट में मैंने आपको बताया कि बैड ब्रेथ का रिमूविंग इफेक्ट बहुत ही शानदार होता है, बहुत ही लाजवाब इफेक्ट होता है बैड ब्रेथ हटाने का, क्योंकि उसमें जिंसिंग दिया जाता है, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट दिया जाता है, और मिथाइल मरकैप्टान होता है।
तो मिथाइल मरकैप 10 मिक्स किया जाता है ऑर्गेनिक मैटर से, क्योंकि हमारे टीथ पे बैक्टीरिया और शुगर, जो हम खाना खाते हैं उसमें शुगर रहता ही है, और बैक्टीरिया बाहर से, उसके बाद वो जब एक साथ मिलते हैं तो बैक्टीरिया शुगर को डिकम्पोज करके, बैक्टीरिया शुगर को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के वो एक एसिड बन जाता है, जो फिर आपके फूड को डीके करता है, आपके जो और दूसरे दूसरे खाना है उसको डीके करके, उसको सड़ा के एक बहुत ही गंदा बैड ब्रेथ देते हैं, और वो बैड ब्रेथ आपके टीथ के सरफेस से चिपक के हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि और ज्यादा फिर बैड ब्रेथ छोड़ता है। तो जिसके वजह से हमें मिथाइल मरकैप्टन का यूज किया गया है हमारे एटमी के टूथपेस्ट में, जिसके वजह से प्लेक तो निकलता ही है और हाइड्रोजन सल्फाइड कभी नहीं रहता है आपके टीथ पे। तो ये था हमारे एटमी के टूथपेस्ट के मेन पॉइंटर्स, मेन फीचर्स। इसके साथ एटमी का टूथपेस्ट एक्चुअली इसमें जो सबसे मेन फीचर है वो है प्रोपोलिस का, क्योंकि वो आपके टीथ को नेचुरल हील करने का टाइम देते हैं, नेचुरल हील करने का मौका देते हैं उन्हें, इतने अच्छे तरीके से अपने अंदर ही अंदर सारे बैक्टीरियाज को निकाल के टार्टर को नहीं जमने देने, और प्लैक को हटाने के बाद उनको एक नेचुरल एनवायरमेंट देते हैं खुद को हील करने के लिए, खुद को अपने अर्ली स्टेजेस पे ले जाने के लिए। तो एक बार आपका जितना भी बैक्टीरिया है वो टीथ से हट गया, एक बार आपका बैड ब्रेथ हट गया, एक बार आपका टार्टार हट गया, तो फिर आपका टीथ नेचुरली अपने प्रीवियस पोजीशंस पे जाने लगता है, अपने प्रीवियस स्टेजेस पे वो धीरे धीरे हील करता है, बाय टाइम आपका टीथ वापस से हील करके अपने प्रीवियस स्टेजेस पे पहुंच जाता है, जिसके वजह से आपका टीथ वापस से वो स्पार्कलिंग व्हाइट टीथ हो जाता है जो आपके पास एक टाइम पे था। तो दिस वॉज ऑल अबाउट आर एटमीज टूथपेस्ट, विच वॉज an amazing toothpaste which I use. I love Atomy's toothpaste and personally बताऊँ तो मुझे तो ये बहुत awesome लगता है। मैंने अभी तक Pepsodent, Sensodyne, फिर Colgate ये सारे toothpaste use किए हैं, but Atomy का toothpaste मुझे एक number लगा। ये कुछ अलग ही है toothpaste, क्योंकि ये मुझे जो इतने सालों से मुझे oral care का मेरे दोस्त मुझे बोलते थे ये क्या हो रहा है तेरे teeth पे, तो मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था क्योंकि मेरे टीथ ऐसे नहीं थे पहले, बट मुझे इसका कोई सोल्यूशन भी नहीं मिल पा रहा था क्योंकि दूसरे टूथपेस्ट में फ्लोरिड रहते हैं बट वो उतने अच्छे से काम नहीं करते। हमारे एटमी के टूथपेस्ट में प्रोपोलिस के साथ फ्लोरिड का एक ऐसा बैलेंस बनाया जाता है जिसके वजह से आपके टीथ पे फ्लोरिड हमारे टीथ का एक नेचुरल हेल्थ कॉम्पोजिशन है, उसको एक बार प्रोपोलिस के साथ अच्छे से बैलेंस करने के बाद हमारा टीथ धीरे धीरे अपने प्रीवियस ग्लोरी पे जाने लगता है। तो दिस वाज माय प्रेजेंटेशन अबाउट एटमीज टूथपेस्ट। लेट्स ब्रिंग टुवर्ड एटमीज टूथब्रश। तो अब मेरा नेक्स्ट प्रेजेंटेशन है एटमीज टूथब्रश के बारे में। अनुदे कंटिन्यू कीजिए, आपने माइक म्यूट कर दिया है। यस सर, तो मैं ये बताना चाहता था कि हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है एटमी का टूथब्रश। तो हमारे एटमी के टूथब्रश में मुझे जो सबसे अमेजिंग प्रोडक्ट लगता है एटमी के टूथपेस्ट के बाद वो है एटमी का टूथब्रश। एटमी का टूथब्रश मेरा सबसे अभी तक फेवरेट प्रोडक्ट है, सबसे जवाबदार, सबसे लाजवाब प्रोडक्ट लगता है मुझे एटमी का, क्योंकि ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्रोडक्ट है। क्योंकि एक बार अगर इसको एटमी के टूथपेस्ट के साथ यूज करेंगे सर आप, अगर आप कोई भी यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स है अगर वो एटमी के टूथब्रश को एटमी के टूथपेस्ट के साथ यूज करेंगे तो उन्हें एक अलग ही टाइप का एक्सपीरियंस मिलेगा, एक अलग ही रिजल्ट्स मिलेंगे। मुझे अपने फर्स्ट टाइम में एक ऐसा अलग सा एक्सपीरियंस मिला था कि मैंने उसके बाद मम्मा को बता दिया था कि मम्मा दूसरे टूथपेस्ट अब मुझे बिल्कुल यूज नहीं करने, दूसरे टूथब्रश मेरे को बिल्कुल यूज नहीं करने, मुझे सिर्फ एटमी का ही टूथब्रश और टूथपेस्ट चाहिए। क्योंकि मुझे पता चल गया था मेरे फर्स्ट यूज में कि ये टूथब्रश और टूथपेस्ट एकदम हटके है, ये एकदम अलग प्रोडक्ट्स है, एकदम हटके प्रोडक्ट्स है जो कि
मुझे मेरे प्रीवियस जो मेरे पुराने टीथ थे उनके पास पहुंचा पाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि एटमी के टूथब्रश के क्या पावर्स है, क्या फीचर्स है। तो एटमी के टूथब्रश का पहला जो फीचर है वो है कि इसके ब्रिसल्स 99.9% गोल्ड पाउडर से बने हुए हैं। तो इनमें 99.9% गोल्ड के आयन्स या फिर गोल्ड पाउडर है, जिसके वजह से आपका ये टूथब्रश का जो एक एक ब्रिसल है, जो एक एक इसका ब्रिसल है वो इतना सॉफ्ट है। मैंने भी इसमें यूज किया है और ये बहुत सॉफ्ट है आपके टीथ पे, बहुत सॉफ्ट है आपके गम्स पे। आपको इसके पहले जितने भी टूथब्रश यूज किए हैं मैंने इतने सॉफ्ट टूथब्रश कभी नहीं देखे थे। और बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल ब्रिसल्स है और फ्लेक्सिबल टूथब्रश भी है। ये इतना स्लीक डिजाइन है, इतना स्लिम डिजाइन है इसका कि मैंने जब इसको पहले बार अपने माउथ में इंसर्ट किया था तो ये एकदम जो पीछे वाले जो मोलार्स होते हैं, जो मैंने अभी तक, मतलब अभी तक मैंने लाइफ में जिसको ब्रश नहीं किया होगा, जिसको मैं अनटच्ड था वो टूथ मेरा, वहां तक पहुंच के वो क्लीनिंग कर पाया। इसका इतने अच्छा डिजाइन, इतना पतला हैंडल, इजी टू ग्रिप हैंडल, इसका स्लिम डिजाइन की वजह से ये आपके पीछे के दांतों के तक पहुंच जाता है, जहां पर दूसरे टूथब्रश मात खा जाते हैं। इस टूथब्रश का सबसे फेवरेट फीचर मेरा ये है कि इसके ब्रिसल्स 0.18 मिलीमीटर थिकनेस के है। मतलब कि इसका ये इतने पतले ब्रिसल्स है कि आपके बालों से 3 गुना ज्यादा पतले ब्रिसल्स है। एक बालों से 3 गुना ज्यादा पतले ब्रिसल्स है इसके, इस टूथब्रश में 0.18 मिलीमीटर थिकनेस के ब्रिसल्स भी है। और सबसे अलग बात इसका लगता है मुझे कि इसके जो टिप्स है, जो ब्रिसल के जो ऊपरी भाग है, जो टिप्स है जो आपके टीथ को क्लीन करते हैं, वो उससे भी ज्यादा छोटे हैं। वो 0.18 मिलीमीटर से भी ज्यादा छोटे हैं, स्लिम साइज ऑफ अंडर 0.03 मिलीमीटर, मतलब कि आपके बाल से 10 गुना ज्यादा पतले। तो आप समझ सकते हैं कि अगर इतना पतला कोई चीज हुआ तो वो आराम से आपके दांतों के बीच में जाके जितना भी आपका फूड है, जितना भी आपका बैक्टीरिया गंक है, वो सब कुछ निकाल सकता है। और गम लाइन, जो एकदम छोटा सा पतला सा गम का लाइन होता है, उसके अंदर अंदर तक जाके क्लीनिंग कर सकता है। तो इसका इतना जो स्लिम डिजाइन है, इतना इफेक्टिव डिजाइनिंग ऑफ ब्रिसल्स है, जिसके वजह से ये एटमी की टूथपेस्ट के साथ अगर इसको कॉम्बिनेशन में यूज किया गया तो ये प्लैक और रेसिड्यूज को बहुत आराम से निकाल सकता है, क्योंकि थैंक्स टू इट्स 18 मिलीमीटर थिकनेस के सुपर सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल ब्रिसल्स। और आपको बहुत ज्यादा डीप फ्रेशनिंग फीलिंग देता है आपके टीथ और गम्स के लिए जब आप इसके साथ ब्रश करते हैं। तो आपको कुछ इसके स्पेसिफिकेशंस बताने हैं जो कि इनको इंटरनेशनल मान्यताएं दिया गया है, जो कि है इसका रजिस्टर्ड फर्स्ट ग्रेड मेडिकल डिवाइस इन FDA। FDA द्वारा इसे फर्स्ट ग्रेड का मेडिकल डिवाइस बताया गया है, क्योंकि ये इतने अच्छे से क्लीनिंग कर पाता है, इतने अच्छे से आपका प्लैक रिमूवल कर पाता है। सर्टिफाइड एंटीबैक्टीरियल है ऑफ कीफा। तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि एंटीबैक्टीरियल सर्टिफाइड कैसे है, तो मैं अभी बताता हूँ कि ये कीफा के द्वारा सर्टिफाई किया गया है कि इसके ब्रिसल्स एंटीबैक्टीरियल है। हमारे दूसरे टूथब्रश जब हम उन्हें यूज करके रख देते हैं तो वो हल्के वेट होते हैं, तो वो बाहर के बैक्टीरियाज को खुद के अंदर चिपकने में इफेक्ट करते हैं। तो वो बाहर के बैक्टीरियाज आके आपके पुराने वाले टूथपेस्ट में लग जाते थे, बट एटमी के टूथब्रश के साथ ये नहीं होता है। अगर आप अपने पुराने वाले टूथपेस्ट से रेगुलर यूज करते हैं तो आपके पुराने बैक्टीरियाज वापस आपके टीथ में जाके आपको हार्म कर सकते हैं। बट एटमी का 99.9% गोल्ड पाउडर इंक्लूडेड ब्रिसल्स में ये नहीं होता है, क्योंकि इसमें एक ऐसा कंपाउंड ऐड किया गया है, एक ऐसा कंपाउंड गोल्ड पाउडर के साथ डाला गया है, जिसके वजह से कोई भी बैक्टीरिया आपके ब्रिसल में कभी नहीं चिपकेगा, कोई भी बैक्टीरिया आपके ब्रिसल के साथ कभी नहीं अटैच होगा, क्योंकि थैंक्स टू दैट कंपाउंड। और जिसके वजह से आपका ये पूरा का पूरा ब्रिसल एक एंटी बैक्टीरियल एंटी वर्मिसाइड, मतलब कि कोई भी बाहर का डर्ट, जर्म्स या फिर बैक्टीरियाज आके आपके ब्रिसल के साथ नहीं लग सकता है, जिसके वजह से ये एंटी बैक्टीरियल सर्टिफाई कर दिया गया है।
आप इसमें आपको राउंड स्लिम हेड दिखाता है जिसके वजह से आपके पीछे और डीप ग्रूव्स में भी क्लीनिंग हो सकता है। आपके मैंने बताया कि आपके जो पीछे वाले दांत है जो बहुत हार्ड टू रीच होता है दूसरे ब्रशर्स के लिए, तो वो एटमी के टूथब्रश आराम से रीच कर सकते हैं थैंक्स टू इस राउंडेड स्लिम हेड और इजी ग्रिप हैंडल जिसमें डायमंड कटिंग दिखता है हमें, जिसके वजह से हम आराम से इसको क्लीनिंग के लिए बहुत इफेक्टिवली यूज किया जा सकता है। एटमी के टूथब्रश में मैंने जैसे आपको बताया कि 0.18 मिलीमीटर थिकनेस वाले बहुत ही स्लिम और फ्लेक्सिबल ब्रिसल्स दिख जाते हैं, जिसके वजह से आपके टीथ के बीच में, जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं कि यह बहुत ही आराम से आपके टीथ के बीच में पहुंच के आपका अंदर और गम लाइंस को आराम से क्लीन कर सकते हैं, जिसके वजह से आपका गम लाइन और आपके टीथ में बैक्टीरिया का डिपोजिशन बहुत हद तक कम हो जाता है। मतलब कि बोलने से ये आपका जितना भी बैक्टीरियल डिपोजिशन हो जाता है आपके टीथ के बीच में, जैसे कि कभी कभी हमारा खाना हमारे दांतों के बीच में फंस जाता है जिसके वजह से धीरे धीरे वो डिकम्पोज होके धीरे धीरे वो बैड ब्रेथ देता है, वो आपको टार्टार प्लैक जैसे बहुत सारे अलग अलग टीथ के प्रॉब्लम्स दे देते हैं, तो जिसके वजह से उन्हें अंदर अंदर जाके क्लीन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एटमी के टूथब्रश के इतने स्लिम डिजाइन के वजह से वो आपके टीथ के अंदर जाके भी बहुत आराम से प्लेक रिमूवल कर सकता है और आपको डीप फ्रेश फीलिंग दे सकता है आपके टीथ्स को और गम्स को जब आप उसे ब्रश करते हैं। मैंने आपको बताया कि एटमी का टूथब्रश प्योर 99% गोल्ड पाउडर से बनाया हुआ है। इस ब्रश को एक एंटीबैक्टीरियल मेम्ब्रेन और गोल्ड पाउडर से कवर किया गया है कि ये ब्रश आप जब यूज नहीं कर रहे हैं तब भी खुद को क्लीन रख सके, बाहर के बैक्टीरिया से खुद को बचा सके। एटमी के टूथब्रश में मैंने आपको बताया राउंड स्लिम हेड होने के वजह से वो आपके पीछे के दांत, आपके जो हार्ड टू रीच एरियाज है आपके पीछे के दांत, फिर आप बता सकते हैं ऊपर वाले दांत, ऊपर वाले पोर्शंस पे जाके आराम से क्लीनिंग भी कर सकते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं होता है। आपके पीछे वाले दांत, आपके हार्ड टू रीच एरियाज, जैसे कि आपके जो पीछे के दांत होते हैं, फिर आपके पीछे के एरियाज होते हैं माउथ के जहाँ पे आपके नॉर्मल ब्रशेस नहीं पहुंच पाते हैं, वहां का आपका एटमी का ब्रश पहुंच जाता है। मैंने भी जैसे इसको फर्स्ट टाइम यूज किया था तो ये मेरे अचानक से, मतलब कि मुझे ये फील भी नहीं हुआ और वो आराम से वो मेरे पीछे वाले दांतों तक पहुंच गया, मेरे हार्ड टू रीच एरियाज तक पहुंच गया था और वो मुझे एक अलग ही फीलिंग दे रहा था क्लीन होने का। जब मैं इसे फर्स्ट टाइम यूज किया था तो फर्स्ट टाइम यूज में ही मुझे इसके एक अमेजिंग रिजल्ट्स मिले थे। मेरा दांत स्क्वीकी क्लीन था, एकदम अलग ही टाइप का मुझे रिफ्रेशमेंट फील हो रहा था मेरे टीथ को, मेरे गम्स को, जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम ब्रश किया था। और मैंने इसको यूज करने के बाद ही मैंने अपना मम्मा को बताया था कि मुझे और कोई कंपनी का ब्रश नहीं चाहिए, बस एटमी का, क्योंकि ये एक अलग ही टाइप का ब्रश है। इसमें आपको इजी ग्रिप हैंडल फीचर किया जाता है जिसके वजह से आप इसको आराम से पकड़ के अंदर अंदर तक साफ कर सकते हैं अपने टीथ को, जिसमें नॉन रबर मटेरियल का यूज किया गया है। इस टूथब्रश में आपको ना ही यूजुअल प्लास्टिक का यूज दिखता है ना ही तो रबर का यूज दिखता है, इसमें एक स्पेशल टाइप के प्लास्टिक जिसको बोला जाता है PTCP प्लास्टिक, उसका यूज किया गया है, जिसके वजह से ये एक बहुत ही स्टर्डी प्लास्टिक होता है। कोई भी दूसरे केमिकल्स के साथ ये पिघल नहीं जाते हैं, आपके दूसरे ब्रशेस दिखेगा वॉर्न आउट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं कुछ दिनों के बाद, 3 महीनों के बाद खराब हो जाते हैं, बट ये एटमी का टूथब्रश बहुत ज्यादा दिनों तक टिकता है क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे केमिकल्स का यूज किया गया है। इसको बनाने के लिए बहुत ही हाई ग्रेड का प्लास्टिक यूज किया गया है जिसको PTCP प्लास्टिक बोलते हैं। ये कोई भी केमिकल से फ्री है, इसको डायमंड कट और नेचर फ्रेंडली प्लास्टिक से बनाया गया है। एटमी का टूथब्रश मैंने आपको बताया कि FDA के रजिस्ट्रेशन के साथ कंप्लीट हो जाते हैं और FDA इनको बताता है कि ये कीफा के द्वारा भी ये पूरा प्रमाणित है कि ये एंटीबैक्टीरियल है, इस पे कोई भी बैक्टीरियाज नहीं रहते हैं। FDA मेडिकल डिवाइस भी इन्हें बताता है कि ये बेस्ट टूथब्रश है इन द मार्केट,
क्योंकि इस पे ना ही तो बैक्टीरियाज रहते हैं और इनके स्लिम ग्रे सेल्स के वजह से ये एकदम अच्छे से आपके टीथ के क्लीनिंग कर पाते हैं। एटमी के टूथब्रश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नॉर्मल एटमी टूथब्रश और एक होते हैं एटमी के कॉम्पैक्ट टूथब्रश। ये एक बहुत ज्यादा सटल चेंज है बट बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, बट एक्चुअली एटमी के दो टूथब्रशेस है, एटमी कॉम्पैक्ट और एटमी नॉर्मल। तो एटमी के कॉम्पैक्ट टूथब्रश को मैक्सिमम मैं रिकमेंड करूंगा वुमेन या फिर मोर देन 6 ईयर्स ओल्ड या फिर लेस देन 6 ईयर्स ओल्ड भी आराम से इसको यूज कर सकते हैं, और इसके स्मॉल ओरल स्ट्रक्चर की वजह से। मैं आपको बताता हूँ कि ये एटमीज कॉम्पैक्ट टूथब्रश एटमी के नॉर्मल टूथब्रश से कैसे अलग है, क्योंकि इसका जो टूथब्रश का जो हेड है, जो ब्रिसल हेड है, उसको मॉडिफाई किया गया है कि ये एशियन जो एशियन माउथ होते हैं उसका थोड़ा अलग टाइप का एक फीचर होता है, जिसके वजह से उनके दांत के जो बीच में जो पॉकेट्स होते हैं, जो होल्स होते हैं, वो और ज्यादा सटल होते हैं और ज्यादा छोटे होते हैं, जो इस जिसके वजह से एटमी के टूथब्रश को अंदर जाने में प्रॉब्लम्स हो सकता था, बट एटमी के कॉम्पैक्ट टूथब्रश धीरे से वो अंदर जाके क्लीनिंग करने के बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि एटमी कॉम्पैक्ट टूथब्रश एटमी के नॉर्मल टूथब्रश से छोटा होता है और वो मोलर्स अंदर के जो बड़े वाले दांत होते हैं जिनको हम मोलर्स कहते हैं उसमें जाके आराम से क्लीनिंग कर सकता है। और यहाँ पे आप साइज डिफरेंस भी देख सकते हैं एटमी नॉर्मल टूथब्रश और एटमी का कॉम्पैक्ट टूथब्रश के बीच में। तो ये जो बड़ा वाला है ये है एटमीज का नॉर्मल टूथब्रश, और ये छोटा वाला इन साइज कंपैरिजन एटमी के बड़े वाले वो है एटमीज कॉम्पैक्ट टूथब्रश। तो दिस वॉज माई प्रेजेंटेशन फॉर एटमीज टूथब्रश, और मैं आपको ये बताऊंगा कि आप एक बार प्लीज एटमी के टूथब्रश और टूथपेस्ट को यूज करके देखिए, आई प्रॉमिस यू विल लव इट। हाँ, एटमी के टूथब्रश एक्चुअली मैं ये कहना चाहता हूँ कि दूसरे जो टूथब्रश है, दूसरे जो नॉक ऑफ ब्रांड्स है मार्केट में, उनसे ज्यादा अच्छा आपको बताया, क्योंकि इसका कॉस्ट ज्यादा है। इसका मतलब ये नहीं कि ये उनसे बहुत अच्छा है, ये अ माइल अहेड है, एक सेंचुरी अहेड है दूसरे टूथब्रश से, क्योंकि दूसरे टूथब्रश में बाई टाइम बैक्टीरियाज जम के फिर वो फिर से आप वही टूथब्रश यूज करते हैं तो वो पुराने वाले बैक्टीरियाज आपके माउथ के अंदर जाके आपको फिर प्रॉब्लम्स दे सकते हैं, फिर से आपका टार्टार डिपॉजिट हो जाता है, फिर से आपका प्लैक आ जाता है। बट एटमी के टूथब्रश में 99% गोल्ड पाउडर और एक केमिकल मेम्ब्रेन यूज होने के वजह से इसमें कभी भी बैक्टीरिया का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है, बैक्टीरिया इस पे नहीं चिपक सकते हैं, जिसके वजह से ये खुद को जब आप इसको यूज नहीं कर रहे तब भी क्लीन रख सकता है। और एटमी टूथब्रश इतना स्लिम है, इतना पतला है इसका ब्रिसल्स, इतना पतला है इसका डिजाइन है, जिसके वजह से ये आपके हार्ड टू रीच एरियाज को भी आराम से पहुंच के उसको क्लीनिंग कर सकता है। एटमी का जो टूथपेस्ट है वो दूसरे मार्केट से इस तरह अलग है कि एटमी के टूथपेस्ट में जिनसेंग है और प्रोपोलिस है, जो दूसरे टूथपेस्ट में नहीं दिखते हैं, जो दूसरे मार्केट में टूथब्रश है उनमें फ्लूरिड होता है, जो एक्चुअली आपके दांतों के लिए एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शन रखता है अपने पास, बट दूसरे टूथब्रश में उसको आपके टीथ के अंदर ले जाने का कोई भी टेक्निक नहीं है, जो कि एटमी के टूथपेस्ट में रहता है। एटमी के टूथपेस्ट में आपको प्रोपोलिस और नेचुरल जिनसेंग दिख जाता है, जिसके वजह से आपका जो फ्लूरिड होता है वो टीथ के अंदर तक जा पाता है, वो अपना एक्चुअली काम कर पाता है आपके टीथ के अंदर। प्रोपोलिस और नेचुरल जिनसेंग जो आपको ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स में दिखने को मिल जाता है वो फ्लोरिड को अच्छे से अब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है, वो आपके टीथ को आपके पिछले वाले टीथ में जो स्क्वीकी क्लीन टीथ था उसमें ले जाने में हेल्प करता है। और अगर आप इसको एटमी के टूथब्रश के साथ यूज करेंगे तो मैं आपको गारंटी देके बोल रहा हूँ, विद इन 14 to 21 days के अंदर आपको आपका टीथ में बहुत बहुत इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिलेगा। सो एवरीवन, दिस वाज माय प्रेजेंटेशन अबाउट एटमी टूथब्रश एंड एटमी टूथपेस्ट, एंड थैंक यू।
एक्सलेंट अरुण रॉय भाई, मेरे पास में तो कोई शब्द नहीं है। मैं तो सुन के थोड़ा सा एक नेक्स्ट जोन में चला गया था, क्योंकि मैंने आज तक मैं बता रहा हूँ, मैं 15 साल से हूँ बिजनेसेस में, और हम लोग अलग अलग स्टेट्स में ट्रैवल किए हैं, स्टार्टअप इंडस्ट्री में ट्रैवल किए हैं। लेकिन आई हैव टू से दिस कि आपके लेवल का जीनियस बच्चा जो एंटरप्रेन्योरशिप पे और ट्रेनिंग लेवल में इतनी एक्सपर्टीज रखता है, हैट्स ऑफ टू यू। मैं स्पीचलेस हूँ। कोई अगर कुछ बोलता है, पूछना चाहता है, तो वी ऑल आर ओपन, हम लोग क्वेश्चंस रख सकते हैं। एक दो लोगों ने हैंड रेस किया है, मैंने आपको अनम्यूट किया है, सॉरी, लिखा जैन। सर नमस्कार सर, और सर ये बहुत अच्छा आज का जो सेशन है एकदम सुपर डुपर है सर। मैं एक्चुअली वेट कर रही थी इस तरह का कोई सेशन हो और मैं इस पे थोड़ा इंटरेस्ट लूं। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जो हम खट्टा खाते हैं सर, जैसे कि इमली केरी, वो खाने के बाद कुछ खाना खा नहीं पाते हैं, तो क्या ये उसके ऊपर ये काम करेगा सर, टूथपेस्ट? अर्नोदय, हाँ ये बिल्कुल काम करेगा। आप जो बता रहे हैं कि हम कुछ खट्टा खाने के बाद आपको झंझनाहट फील होता है ना टीथ में, आपको एक अलग टाइप का दर्द होता होगा जब आप टीथ नहीं में दर्द खाते नहीं, कुछ होंगे। आवाज, कुछ मतलब एकदम जैसे कि हाँ बेलून की, बेलून जब हम उसको रगड़ते हैं तो कैसी आवाज आती है, वैसी आवाज हाँ आती है दांतों में हाँ अगर खट्टा खाने के बाद, वो प्रॉब्लम सेंसेशन, है। हाँ हाँ जी, वो तो क्या वो क्लियर हो जाएगी? हाँ ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप एटमी के टूथपेस्ट और एटमी के टूथब्रश को यूज करिए, विद इन 14 to 21 days ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और ये मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ, क्योंकि ये मेरे को भी प्रॉब्लम था पहले, और ये मैंने खुद यूज करके देखा है, ये बहुत अच्छे से हो जाता है। मतलब कि मेरे को अब ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, मैं ठंडा पानी पी सकता हूँ, गर्म पानी पी सकता हूँ, कोई भी खट्टा चीज खा सकता हूँ, मुझे अब कोई दिक्कत नहीं होता है। मैं अब मतलब फ्रीली कुछ भी खा सकता हूँ, मुझे और कोई भी अब वरीज नहीं होते, कोई भी दिक्कत नहीं होती है कुछ भी खाने में। तो हाँ आप बिल्कुल इसको यूज कर सकते हैं इस प्रॉब्लम के लिए। मैं भी ये टूथपेस्ट यही यूज कर रही हूँ, ब्रश भी यही यूज कर रही हूँ, और आज बरोबर 7 महीने पूरे हुए, लेकिन आज भी वो ब्रश जैसे मैंने न्यूली ओपन किया वैसा का वैसा आज भी वही ब्रश है। अभी चेंज करने का भी मन नहीं कर रहा है। मैं बोले 7 महीने हो गए, नहीं तो हर 3 महीने में मुझे ब्रश चेंज करना पड़ता था, बट अब नहीं, 7 महीने से मैं वो एक ही ब्रश यूज कर रही हूँ। इट्स अ वेरी ऑसम। और आपका जो सेशन है अनुरोध जी, बहुत बहुत पावरफुल है, वेरी थैंक्सफुल। आप इतने छोटे होके इतनी अच्छी नॉलेज दे रहे हो सबके लिए, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच लेखा मैम। नेक्स्ट मैं पवन सर को अनम्यूट कर रहा हूँ। वेल डन अनुरोध, वेल डन, मतलब सुपर डुपर एकदम हाउसफुल सेशन। मतलब जितनी भी तारीफ की जा कम है। और मैं इसमें थोड़ा सा एक ऐड करना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे बीच पार्टिसिपेंट हैं, चाहे हमारे जूम पर हों या यूट्यूब पर हैं, आप लोगों ने एक अरुणोदय की तरफ से आप लोगों ने एक बार बार रिपीट वर्ड सुना होगा कि मैंने जब इसको यूज किया, मैंने जब इसको प्रयोग किया रिसेंटली। बेसिकली यही चीज है अगर हम बातें करते हैं कि क्या आपने एटमी का ब्रश और टूथपेस्ट यूज किया, ये आप जो अभी अरुणोदय ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, वह यूज करने के बाद किया और सारी खूबियां पाई। अभी ऐसे बहुत सारे हमारे बीच में एसोसिएट्स हैं जो आज तक एटमी का एक भी प्रोडक्ट यूज ही नहीं कर पाए हैं, और इसीलिए उनको इस खूबियों के बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है। और इतने डेप्थ नॉलेज में बताया अरुणोदय ने, मतलब मार्बलस, मतलब हैट्स ऑफ यू। जितनी कम उम्र में आपने एटमी, मैं कहता हूँ मेरे भी टीम में से बहुत सारे लोग हैं जिनको इतनी जानकारी नहीं है, वैसे बहुत सारे लोगों की टीम में से बहुत सारे लोग जितनी डेप्थ जानकारी नहीं है। और इस तरह की जानकारियां जब तो हम प्रोडक्ट यूज करते हैं तभी हम पूरे फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ बनाते हैं, लोगों को बताते हैं। जैसा कि अरुणोदय ने भी बताया, इस पीपीटी को बनाने में कितना टाइम लिया होगा, कितनी मेहनत किया होगा इसके लिए, मतलब जितनी भी तारीफ की जा अरुणोदय की वो कम है। और रितेश सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक ऐसा नायाब हीरा खोज के लाया है जो मिनी कह सकते कोहिनूर है, उसके बारे में क्या बताया जाए सर। तो थैंक यू सर, बहुत अच्छा सेशन अरुणोदय का रहा। बिल्डन सर, थैंक यू, ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगा छोटा चेलम जी को। मैंने आपको अनम्यूट किया सर। कोई भी अगर कुछ क्वेश्चन करना चाहता है, बहुत अच्छे से मतलब एक सेशन लिया है,
Q&A में आप डेप्थ में जानकारी ले सकते हैं, पूछ लीजिए, समझ लीजिए। बहुत सारे लोग, एक क्राउन मास्टर का स्टेटमेंट है शायद आप सक्सेस स्टोरीज उनकी, और में एक बात जो है वो बोली गई थी, उन्होंने बोला था कि सिर्फ एक पेस्ट एंड टूथब्रश के थ्रू, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ क्योंकि टेक्निकली तो पूरा अरुणोदय ने डेप्थ में एक्सप्लेन कर दिया है, सिर्फ एक टूथब्रश और इस चीज के थ्रू आप जो आपका है ना टारगेट 6 करोड़ रुपीज का टोटल इंपीरियल मास्टर तक, वहां तक की जर्नी कवर की जा सकती है। हमें सिर्फ ये करना है कि छोटी से छोटी फैमिली, बड़ी से बड़ी फैमिली में ये प्रोडक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए, एनी हाउ ये इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए। और ये हमारा मतलब, हमें सिर्फ ये करना है बड़े वॉल्यूम पे छोटे मार्जिन से काम करना है। अगर हम लोग ये सीख गए तो आप मान के चलिए कि बहुत आसान हो जाएगा, फिर आप लोअर मिडिल क्लास बोले या फिर आप अपर मिडिल क्लास बोले, बिजनेस क्लास बोले, हर व्यक्ति के लिए सूटेबल प्रोडक्ट है। और जहां पे हम लोग कई बार हम लोग प्राइस रेंज को लेकर स्टक हो जाते हैं, प्रॉब्लम कभी प्राइस रेंज नहीं देखती है। एक बात समझिएगा, फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई व्यक्ति को ये टूथब्रश रिकमेंड, टूथपेस्ट रिकमेंड किया जाए, तो मान के चलिए कि हो सकता है वो ये बोलेगा कि यार ये 100 रुपीज का टूथपेस्ट आ रहा है या फिर एक उस रेंज का टूथपेस्ट आ रहा है, मार्केट में इतने सस्ते हैं। अब अगर उन्हीं के फैमिली में कोई अगर बच्चा है, ठीक है, तो मान लीजिए कि उसको कोई डेंटल प्रॉब्लम है, और डेंटल प्रॉब्लम के लिए वो हो सकता है अपने लिए उतना केयरलेस हो, ठीक है, लेकिन जब पता चलेगा कि यार 5 साल 10 साल 8 साल का कोई एक बच्चा है और उसको इस प्रकार की कोई समस्या हो रही है, तो आइदर वो डेंटिस्ट के पास में जाके बहुत सारा पैसा खर्च कर चुका होगा, लेकिन वहां पे उसका एक इमोशनल कनेक्ट होता है, वो कभी नहीं छोड़ना चाहेगा, कभी नहीं चाहेगा कि इसे इस प्रकार की समस्या हो, वहां पे वो फिर पैसे खर्च करने पे सोचेगा नहीं, उसको फिर वहां पे क्वालिटी चाहिए, उसको फिर वहां पे जो है वो रिजल्ट चाहिए। तो सेम चीज है, अगर हम लोग उस पर्टिकुलर भाग में सोच सकते हैं कि हमें रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट लेना है, तो हम लोग अपने लिए भी अच्छी केयर कर सकते हैं। और एक छोटी सी जनरल बात जो मैं हर बार अपने टीममेट्स के साथ में शेयर करता हूं, हम लोग अगर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पहनते हैं, है ना, हम लोग अगर अच्छे ब्रांडेड शूज पहनते हैं, ब्रांडेड सनग्लासेस पहनते हैं, क्यों पहनते हैं, क्योंकि सॉरी क्योंकि क्वालिटी होती है उसकी, राइट। अगर हम लोग एक क्वालिटी प्रोडक्ट यूज करने की डेली बेसिस पे जो क्वालिटी प्रोडक्ट यूज करने की आदत डाल देना, तो हम लोग अपना लिविंग स्टैंडर्ड भी उठा देंगे, हमें क्वालिटी प्रोडक्ट की एक आदत भी बन जाएगी, और ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा कि क्वालिटी प्रोडक्ट का एंड रिजल्ट जो है वो क्या होता है। तो थैंक यू सो मच अरुणोदय। अखिलेश सर कुछ बोलना चाहते हैं जी? नमस्कार सर। अरुणोदय को सबसे पहले तो मैं तहे दिल से उनको ढेर सारी दुआएं दूंगा कि आज जो इन्फॉर्मेशन दी है काफ़ी डीप नॉलेज है। आई थिंक इतना तो नॉलेज किसी को भी नहीं होता है, और उन्होंने कहते ना पूरा इस पर मास्टरी कर दी है ना, तो इससे ज़्यादा कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट मैं एक चीज़ अनुभव आज का बताऊँ, आज मेरी एक मीटिंग थी और जब मैं उनके पास गया, वो पुराने नेटवर्कर है, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उनके सामने जब मैं बैठा तो उनको सारी चीजें मैं बताता चला गया। अब मैंने उनको डिटेल में सारी चीजें बताई, तो मैंने उनको बताया कि हमारे पास एंटी बैक्टीरियल स्क्रबर है, तो उन्होंने स्क्रब लिया है ना, और उसके बाद मैंने जब पेस्ट और ब्रश के बारे में बताया उनको, तो उन्होंने अपने मुँह से कहते हैं कि सर मुझे ना ब्रश दे दो। तो फिर मैंने बोला ठीक है आप ब्रश ले लीजिए। तो मैंने बोला सर ब्रश तो आप ले रहे हैं, इसके साथ साथ तो हमारा पेस्ट भी जरूर लीजिए। बोले सर नहीं। मैंने बोला कोई बात नहीं, मेरे तरफ से आप गिफ्ट रखो। तो उन्होंने उन दोनों चीजों को लिया। अब फिर जिसने मुझे उनसे मिलवाया था, हमारे डाउनलाइन है ना, तो पूनम जी है, उन्होंने उनसे मीटिंग कराई, तो उनके पास जब मैं आया तो उन्होंने मेरे से एक बात बताई कि सर इन्होंने ना कुछ दिन पहले मेरे को एटॉमिक का ब्रश और टूथपेस्ट ये देके गए थे कि इसका रिजल्ट नहीं है, ये ऐसा ही है, और उन्होंने फेंक दिया था उसको। और आज वही बंदा मेरे से जब पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने उसको दी, तो उस बंदे ने खुद बोला कि आप मुझे खुद दे के जाओ। तो यानी एक चीज इससे क्लियर होता है कि अगर हम किसी के पास प्रोडक्ट जा रहे हैं देने के लिए जा रहे हैं, तो उसके फीचर्स सामने वाले को जरूर बताइए। अगर हम फीचर्स नहीं बताते हैं ना, तो बंदा कहीं ना कहीं उस तरीके से उसको यूज नहीं करता है। और दूसरी चीज, प्रोडक्ट को यूज करने का प्रॉपर तरीका है ना, जैसे अरुणोदय ने इतनी सारी चीजें बताई है, मैं एक चीज ऐड ऑन करूंगा इसमें कि आप जब भी ब्रश या पेस्ट जब यूज करते हो ना, तो सबसे पहले बेस्ट रिजल्ट लेने के लिए हल्का सा पेस्ट निकालिए, मसूड़ों की एक बार मालिश करके उसको 2-4 मिनट छोड़ दीजिए, उसके बाद आप थोड़ा सा ब्रश पे लगाइए और फिर से ब्रश कीजिए, आपको अल्टीमेट रिजल्ट आएगा। कुछ लोग कहते हैं कि हमें रिजल्ट जल्दी नहीं आता, आप इसको कीजिए, विद इन अ वीक आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा इसका, है ना। बाकी तो सारी चीजें वेल एंड गुड है ना, और उन्होंने तो सारी चीजें कवर कर दी हैं। मैं इतना ही कहूंगा
थोड़ा सा छोटा सा एक्सपीरियंस था सो मैंने शेयर कर दिया है ना, तो ये सारी चीजें हैं। ओके थैंक यू सभी को, थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगा पार्थो को, अनम्यूट किया मैंने पार्थो आपको। थैंक यू सर। सर गुड इवनिंग सर, सर मेरी आवाज आ रही सर, सर मेरी आवाज आ रही सर, हेलो। यस यस आपकी आवाज क्लियर है। ओके सर मैं थोड़ा सा थोड़ा टेस्टिमनी शेयर करना चाहता हूँ सर रिगार्डिंग एटॉमिक न्यूक्लियर। सर अभी जो हमारा, मैं कलकत्ता से हूँ सर, मैं बंगाली हूँ, तो हमारे यहाँ दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है सर। तो उस दिन क्या होता है कि जिस दिन दशहरा होता है उस दिन हम लोगों को खाना खिलाते हैं, तो खाना खिलाते वक्त हम लोग बाहर से एक शेफ को हमने हायर किया था, तो गरीब था वो और थोड़ा बुढ़े टाइप का था वो, तो वो जब खाना बना रहा था तो खाना बनाते बनाते जो हम लोग चावल का जो पानी गर्म पानी होता है ना सर, तो वो उसने क्या कहते एक तरफ रखा हुआ था, तो कुछ दूसरा कुछ सामान लाते वक्त उसका वो जो चावल का जो पानी था उसमें जो जो खाना निकालते एक क्या बोलते हैं चिमटा टाइप, चिमटा नहीं जैसे खाना निकालते ना, हमारे बंगाली में बोलते हैं उसको हाता बोलते हैं, मतलब एक गोल टाइप का होता है लंबा सा डंडा होता है तो चावल वगैरह निकालने के लिए होता है, तो वो क्या होता है कि अचानक उसमें गिर जाता है, गिरने से क्या होता है वो गर्म पानी उसके पीठ में छलक जाता है, मतलब पीठ में चला जाता है, तो वो बूढ़ा बहुत मतलब बहुत तड़प रहा होता है, मतलब जलन सा हो रहा था, रो रहा होता है, तो मैंने तुरंत क्या किया कि मेरे पास टूथपेस्ट था, मैं तुरंत बाइक उठाया, उठा के मैं घर से टूथपेस्ट लगा के उसको तुरंत पूरे पीठ में उसको लेप दिया, लेपने के बाद जहां थोड़ा सा मैंने डिले हुआ था वहां थोड़ा छाला पड़ गया, बाकी पूरा पीठ ठंडा पड़ गया उसका, मतलब कोई ना छाला आया ना कोई दाग आया ना कुछ किया, तो मैंने इसको बोला कि आपको इसको 7 दिन तक कंटिन्यू लगाना है, तो उसमें बाद में मैंने दोबारा उससे पूछा कि अभी आपका पीठ कैसा है, तो बोला ना कोई दाग आया है ना कुछ छाले पड़े हैं ना कुछ, एकदम पूरा क्लीन है। तो एक तो ये टेस्टिमोनी हुआ सर। सेकंड थिंग सर मैं बताना चाहता हूँ कि अभी मार्केट में जो बर्नल आता है सर 210 रुपए का 20 ग्राम है, तो उसको सपोज करो किसी के हाथ अगर जल जाता है, जैसे हमारे मम्मी लोग हैं या हमारे औरतें लोग हैं तो घर में खाना बनाते बाद कुछ ना कुछ हाथों में जलन सा हो जाता है या जल जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं मार्केट में जाते हैं, मार्केट में जाने के बाद हम लोग एक बंडल खरीद के ले जाते हैं, तो मार्केट में जो बंडल का आज का रेट है अच्छे वाला वो 210 रुपए का है 20 ग्राम, तो हम लोग जैसे बर्नर सपोज करो आज मेरी वाइफ को अगर हाथ जल जाता है तो क्या करती है 20 ग्राम से वो बर्नर निकालती है, निकाल के अपने हाथों में लगाती है, लगाने के बाद उसका 3 से 4 दिन बाद वो बंडल लगाने के बाद ठीक हो जाता है, लेकिन वो क्या करती है वो बंडल को किसी लॉकर के एक कोने में रख देती है, जब तक उसका हाथ दोबारा नहीं जलेगा तब तक वो बंडल को यूज नहीं करेगी, दैट मीन्स वो वहीं पड़ा रहेगा, साथ में क्या होगा कि 6 महीने बाद या 7 महीने बाद अगर मेरी वाइफ का अगर हाथ नहीं जलता है तो बर्नल एक्सपायर्ड हो जाएगा और मैं 210 रुपए का वो एक टाइम यूज करके मुझे फेंकना पड़ेगा, लेकिन अगर मेरे घर में ये एटॉमिक का टूथपेस्ट अगर रहता है तो मैं उसको मल्टीपर्पज यूज कर सकता हूँ, तो मुझे वो 210 रुपए का बंडल मुझे अलग से खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसका जो टेस्टिमोनी है इसका जो यूज है वो नॉट ओनली आपके दांतों के लिए है, आपके पैरों के जो एड़ी फटी है नीचे से एकदम, तो पैरों से स्टार्ट करता हूँ, नीचे पैरों से एड़ी से फटने से लेके आपके मुंह के जो ब्रोनो मतलब है एक्नी जो बोलते हैं हम लोग, जो दाने निकलते आते हैं वहां तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, इवन जो आउटर पाइल्स मतलब जो पाइल्स के जो अंदर से जो दाने निकल जाते हैं जो बाहर की तरफ निकल जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बैठने में या लैट्रिन करने में बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होता है, जिसको होता है वही समझ सकता है, इवन उसमें भी लगाओगे तो आपको 2 दिन के अंदर पूरा रिलीफ, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, पूरा रिलीफ मिलता है, तो एटॉमिक टूथपेस्ट एक छोटा डॉक्टर है, मिनी डॉक्टर है घर के लिए, यही मैं शेयर करना चाहता था, मैं इसे फोर्सफुली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इसका 100% छोड़ो सर 1000% इसका मेरा टेस्टिमोनी है, तो अभी तक जो भी मेरा बिजनेस बना है सर मैक्सिमम मेरा ये टूथपेस्ट का जो ओरल केयर का सेट है जो उसका डिब्बे के अंदर जो टूथपेस्ट और टूथब्रश और एक डेंटल ब्रश आता है, ये तीनों से मेरा अभी तक जो मैक्सिमम बिजनेस बना है उसी से बना है सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, इतना सारा डिटेल आपने टेस्टिमोनी दिया है, इससे कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है, हमें भी पता चलता है कि मार्केट में किस तरीके के फीडबैक्स आ रहे हैं, और कंपनी बहुत समय पहले मेरे ख्याल से काफी लोगों को पता हुआ है नहीं, हम लोगों ने मैनेजमेंट के साथ पे एक डिस्कशन किया था सारे मास्टर्स थे, हम लोगों ने पूछा था कंपनी से कि सर आप लोगों का स्ट्रेटजी क्या है मार्केट में पेनिट्रेट करने का, और एमडी सर ने बड़े अच्छे से स्माइल किया एंड उन्होंने कोई आंसर नहीं किया, उन्होंने बोला प्रोडक्ट इज दी स्ट्रेटजी, राइट, ये मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने जो है समझाया था, उन्होंने बोला कि प्रोडक्ट आप मार्केट तक पहुंचा दो
आपका काम हो जाएगा। और उसके अलावा कोई आपको फर्दर स्ट्रैटेजी बहुत बड़े रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रोडक्ट हमारे बोलते हैं, मार्केट में प्रूवन है, अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, एंड दिस इज दी ओनली वे टू सस्टेन अ बिजनेस। मतलब कोई भी एक पावरफुल बिजनेस को अगर मार्केट में स्थापित करना है, बना के रखना है, सीधा सा तरीका एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट जो है मार्केट को इंट्रोड्यूस कर दो। तो थैंक यू सो मच। और लेखा जी, आप फिर से कुछ बोलना चाहते हैं? जी सर, मेरा एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ प्लीज। इस टूथपेस्ट का अभी 10 दिन पहले की बात है, मेरे को और मेरे हस्बैंड को दोनों को मेरा कान के पीछे एक छाला हो गया था और मेरे हस्बैंड के पाँव में, तो दोनों के छाले की साइज थी काली मिर्च से भी थोड़ा बड़ा। तो हमने ये टूथपेस्ट यूज किया, जस्ट 2 घंटे में उसका नामो निशान मिट गया और हम ढूंढ रहे कि वो कहाँ था। रियल में ये टूथपेस्ट बहुत मिराकल का काम करता है सर। थैंक यू सो मच। और ऐसे बहुत सारे टेस्टिमोनीज हैं और मार्केट में हर किसी ने क्योंकि कुछ इंग्रेडिएंट की क्वालिटी इस तरीके सी है जो मे भी हो सकता है डिफरेंट चीजों में काम करती है। और थैंक यू सो मच, आपने एक्सपीरियंस शेयर किया। इनकेस कोई और अपना टेस्टिमोनी देना चाहता है, पॉजिटिव एक्सपीरियंस बताना चाहता है, तो यू आर वेलकम। या आप अरुणोदय से कनेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो आप बता सकते हैं। जी मुकेश सर, मैंने आपको अनम्यूट किया। यस सर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और सबसे पहले सर मैं अरुणोदय को भी बोलूंगा थैंक यू वेरी मच। और अरुणोदय के लिए सर एक छोटा सा मैं बोलना चाहता हूँ कि परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वो खुद ही भाप लेते हैं ऊंचाई आसमानों की। तो थैंक यू अरुणोदय, बहुत बहुत ही नॉलेजेबल सेशन था, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। मैं और मेरा बेटा दोनों सुन रहे थे। और टेस्टिमोनियल की बात हो गई तो सर मैं एक छोटा सा शेयर करना चाहता हूँ, हो सकता है मीटिंग्स में हो या फिर यूट्यूब पर सुन रहे होंगे वो सर। ये हमारे वहाँ के राजेंद्र सर है, मैं नाम भी बता दे रहा हूँ। तो हम लोग शादी में थे सर और मेरा बेटा खेलते खेलते गिरा था खिड़की से और उसके कान में चोट आ गया था, काफी ब्लीडिंग हो रही थी। तो बेस्ट तो हमेशा, क्योंकि सर एटोमियन जो है, जो जानते हैं क्वालिटी, उनके पास तो रहता ही है सर। तो मैं कैरी कर ही रहा था, साथ में था हमारे, मैंने उसको वहां लगा दिया। काफी लोगों ने बोला अरे क्या हो गया, ये क्या लगा दिया, इसको दिखाओ, डॉक्टर को दिखाओ, कुछ और लगाओ। मैं बोला ठीक है, इसको लगाते हैं ना, देखते हैं ना, क्योंकि मुझे फेथ था सर, मेरे पास इतने टेस्टिमोनियल थे इंटरनेशनली और सब तरफ के। तो मैं उसको लगाया बिलीव के साथ और सर ने देखा, सर ने बोला बेटा क्या लगाया कान में, बोला नहीं यहाँ पे लग गया था, काफी कट गया था, तो पापा ने पेस्ट लगा दिया एटमी का। और सर वो शाम होते होते वो वहां पर सूख गया, तो फिर उन्होंने पूछा दिखाओ कैसा है, और फिर बोला तुम्हारे पापा को बुलाओ। एंड वो सर बहुत, मतलब 10 सालों से वो दूसरी कंपनी में, नाम नहीं लेना चाहता, उससे जुड़े हुए थे और सिर्फ एक टेस्टिमोनियल की वजह से उन्होंने हमारी एटमी को ज्वाइन किया और अभी वो हमारे साथ हैं और बहुत ही कर रहे हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से सर। तो ये मेरी तरफ से छोटा सा टेस्टिमोनियल था, ऐसा तो काफी लोगों के पास होगा सर, बट फाइनली थैंक यू वेरी मच अरुणोदय। थैंक यू सो मच। अच्छा अरुणोदय, एक छोटी सी चीज मुझे बताओ, जैसे ये इस प्रकार के टेस्टिमोनीज भी मार्केट में बहुत आते हैं, तो डेफिनेटली काफी लोगों को इसके रीजन पता है, लेकिन क्या कारण है? ये प्रोपोलिस के कारण होता है, किसी और चीज के कारण होता है? कंपनी इस तरीके से प्रमोट नहीं करती है, बट इंडियंस हैं, अलग अलग प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स कर लेते हैं एंड उन्हें रिजल्ट्स भी मिलते हैं। तो क्या होता है जो उन्हें ऐसे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं, आप अगर बताना चाहो तो? जी सर, मैं बिल्कुल बताऊंगा। ये जो होता है कि आप अलग अलग, जैसे कि कहीं पे छाला पड़ गया, कहीं कट गया, या फिर कहीं बर्न हो गया, तो इन सब मामलों में मैक्सिमम टाइम काम आता है प्रोपोलिस। क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रोपोलिस में नेचुरल हीलिंग या फिर नेचुरल प्रोटेक्टिंग एजेंट होता है, और जिनसेंग भी बहुत इसमें काम आ जाता है, क्योंकि जिनसेंग नेचुरली किसी भी चीज को जल्दी रिपेयर कर पाता है। तो ये दो मेन चीज होते हैं, और फिर बहुत सारे माइनर इंग्रेडिएंट्स है इस एटमी के प्रोपोलिस टूथपेस्ट में, पर जो मैं बताऊंगा ये सब जो होता है, फिर रिपेयरिंग का, कई छाले पड़ गए, कई कट गए, कई जल गया, ये सब ठीक करने के लिए जो मेन डबल इंग्रेडिएंट चलता है वो होता है प्रोपोलिस और जिनसेंग। तो ये दो मेन इंग्रेडिएंट ही इन सब के लिए काम आ जाता है, ये एक्चुअली बहुत अच्छे से काम कर पाते हैं इन सब के लिए। ओके थैंक यू सो मच एक्सप्लेन करने के लिए। अखिलेश जी कुछ बोलना चाहते हैं, फिर डॉली जी को मैं अनम्यूट किया है। यस सर, मैं अभी थोड़ा सा बताऊं इसके बारे में। आपने जो क्वेश्चन किया ना, इसका मेन कारण पता है प्रोपोलिस है। आप आई थिंक बहुत सारे लोग जानते होंगे या नहीं जानते,
बट मैंने जो स्टडी किया उसमें ये पता चला है कि पूरे वर्ल्ड में जो सबसे सेफ स्थान माना जाता है ना, वो पहला है माँ का गर्भ, है ना। दूसरा होता है मधुमक्खी का छत्ता। आप सब लोग जानते हैं कि मधुमक्खी जो छत्ता लगाती है पेड़ पे, जंगल में कहीं भी लगा देती है, लेकिन धूप हो, बारिश हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, कोई बैक्टीरिया है, वो छत्ते के अंदर नहीं घुस पाता है। जबकि अगर आप शहद कहीं बाहर गिरा दो तो चींटियां लग जाती हैं उसमें। उसका कारण क्या है? जब स्टडी किया गया तो पाया गया कि जो प्रोपोलिस, जो मधुमक्खी है ना, वो प्रोपोलिस का एक लेयर बनाती है छत्ते के बाहरी लेवल पे, है ना, उसकी वजह से वो सारा प्रोटेक्शन मिलता है उसको। और कहा जाता है कि प्रोपोलिस एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल, एंटी एलर्जेटिक का काम करता है। इसके अंदर वो सारे मेडिकल प्रॉपर्टीज हैं। अगर किसी को ओरिजिनल प्रोपोलिस मिल रहा है ना सर, तो वो दुनिया की कोई भी बीमारी को सही कर सकता है। यहाँ तक कि आपने सुना हो ना कि गैंग्रीन हो जाता है लोगों को, जिनको डायबिटिक होता है, उनको चोट लगती तो सही नहीं होता, वो गैंग्रीन हो जाता है। प्रोपोलिस का बहुत अच्छा रिजल्ट है वहां पे, है ना। तो ये जो सारी टेस्टिमोनियल आपको मिल रही है ना, उसका मेन कारण है प्रोपोलिस। और साथ में ग्रीन टी ऐड है तो कहते हैं कि वो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती है, है ना। तो उसका मेन इंग्रेडिएंट प्रोपोलिस है। ओके, थैंक यू सर। डॉली जी को मैंने अनम्यूट किया है, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ सर, नमस्ते। मुझे आज का सेशन बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इतने छोटा सा लड़का इतना ज्यादा ज्यादा नॉलेज दिया, अनबिलीवेबल। मैं प्रोपोलिस के बारे में और एक बात बोलना चाहती हूँ। मेरा लड़का अभी 22-23 साल का हो गया है। वो जब क्लास 9 से था तब से उसका फेस में एक्ने का प्रॉब्लम आया। बहुत डॉक्टर दिखाया, बहुत प्रोडक्ट लगाया, लेकिन गया नहीं। बट जब से हम एटोमी में ज्वाइन किए और एटोमी का प्रोडक्ट मेरे घर में आया, ये प्रोपोलिस टूथपेस्ट आया, उससे मेरा जो मतलब मैडम है राखी, राखी मैम, राखी सरकार, तो उन्होंने मुझे को बताया कि ये प्रोडक्ट देके एक्ने का भी काम हो सकता है। तो मैंने देखा उस दिन से, मतलब जनवरी 2021 से मेरा घर में एटोमिका ऑलमोस्ट सब प्रोडक्ट आया है धीरे धीरे। तो उसमें जो हिट है मेरा घर में, ये है पेस्ट। मतलब दांत का जो चमक है, टीत का जो चमक है, वो तो हम लोगों को है ही, वो छोड़ के मेरा लड़का का जो एक्ने प्रॉन्स का प्रॉब्लम था चेहरे पे, वो एकदम अभी है नहीं। उसका स्किन बहुत रेडनेस हो जाता था जब वो बाहर जाता था धूप में, तो उसका स्किन एकदम रेड हो जाता था, वो भी काम हो गया। मैं ग्रीन टी का भी बहुत सारा प्रोडक्ट लगाया उसके स्किन में, कुछ असर नहीं आया। तो मैंने सोचा कि अभी उसका रिजल्ट देखे, उसका टेस्टिमनी देख के मैंने, मुझे लगा ग्रीन टी के साथ प्रोपोलिस का इतना अच्छा बॉन्डिंग है, जिसके लिए स्किन का जो एक्ने का बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन है उसमें बहुत अच्छा काम करता है, उस बहुत अच्छा काम करता है। और ये देख के मैं, मेरा जो सर्विस है सैलून को लेके, मैं एटोमी का काम करती हूँ, उसमें भी मैं एक्ने प्रॉन्स का काम कर करती हूँ बहुत अच्छी तरह, बहुत अच्छा रिजल्ट है। और मेरा सैलून से भी ये प्रोपोलिस का टूथपेस्ट सेल होता है, ओनली मतलब ब्रश छोड़ के भी ओनली ये एक्ने के लिए। तो थैंक्स एटोमी, थैंक्स प्रोपोलिस कि इतना अच्छा प्रोडक्ट हमको मिला। थैंक यू सो मच। और प्लीज आप अरुणोदय के बारे में भी बताइए कि सेशन में क्या हम लोग और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, राइट। अगर मैंने नेक्स्ट जो है रीना जी को अनम्यूट किया है। जी थैंक यू सो मच सर अनम्यूट करने के लिए, एंड सभी लीडर्स को गुड इवनिंग। और नितिन श्याम हमारे बहुत ही जबरदस्त बताया उन्होंने प्रोडक्ट के बारे में, सो थैंक यू सो मच सर। आप इतने छोटे होते हुए भी आपने बहुत कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया। और मैं भी थोड़ा सा बताना चाहूंगी पेस्ट के बारे में, क्योंकि मैंने भी ये पर्सनली यूज किया है। एक्चुअली मेरे टीथ भी थोड़े से अजीब से थे, मतलब पीलापन था और अजीब से थोड़ा हल्का सा मेरे को शिकायत थी, पैर से आती थी। तो मैंने यूज किया तो मेरे को काफी आराम मिला। उसके बाद मेरे हस्बैंड के थोड़ा सा पिंपल निकल रहे थे, काफी दर्द हो रहा था उसमें। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप एक बार मेरा टूथपेस्ट यूज करो। वो बिलीव नहीं करते थे एक्चुअली,
जब मैंने उनको बोला आप यूज करो तो सही, तो फिर उन्होंने लगाया तो वो बहुत खुश हुए। सुबह उठ के बोलते हैं यार सच में यार पेस्ट तो बहुत गजब है, बहुत अच्छा आया, मेरा दर्द भी चला गया और ये भी पिंपल भी काफी बैठ गया है। तो मैं यही बोलना चाहूंगी टूथपेस्ट बहुत अमेजिंग है। ब्रश भी अभी मैंने यूज नहीं किया है बट हाँ मैं ब्रश लेने वाली हूँ और बाकी सबको बोलूंगी जरूर एक बार आप पेस्ट तो सभी मंगाओ, सच में बहुत अमेजिंग रिजल्ट है। बस और बाकी सर को बहुत बहुत थैंक यू, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच रीना जी। मैं इनवाइट करना चाहूंगा रोहित जी को, आपको मैंने अनम्यूट किया है, हो सके रोहित शर्मा जी। हेलो हाँ जी हाँ जी नमस्कार सर। हेलो हेलो सर, अमृतसर पंजाब से रोहित शर्मा बात कर रहा हूँ सर। अरुणोदय जी का मुझे सेशन बहुत बढ़िया लगा सर, छोटा पटाखा बड़ा धमाका है वो इतनी इतनी अच्छी नॉलेज, इतनी बढ़िया नॉलेज और 13 साल की उम्र सर, मैंने इतनी MLM की है पर आज तक मैंने इतनी छोटी उम्र के बच्चे को इतनी नॉलेज देते नहीं देखा। बहुत बढ़िया सर का सेशन है, बहुत अच्छी नॉलेज है इनको। ठीक है सर, मुझे अभी 3-4 दिन हुए हैं मतलब ऑर्डर डाले पहला और मेरे पास अभी एक भी पेस्ट और एक भी ब्रश नहीं है और मैं कल फिर ऑर्डर लगा रहा हूँ, इतना जबरदस्त रिजल्ट आ रहा है और इतना बढ़िया रिजल्ट आ रहा है। एक रिजल्ट ना मैंने अपनी गुड़िया से लिया है, उसके ना कैविटी हो गई थी, मतलब काफी सालों से कैविटी थी, कीड़ा जमा हुआ था टीथ पे, तो लगातार 2-3 दिन यूज किए और वो कीड़ा बिल्कुल हल्का हो गया, मतलब वहां से ना हटना शुरू हो गया, थोड़ा सा रह गया बस, इतना सर जबरदस्त रिजल्ट आ रहा है पेस्ट का और बहुत बढ़िया। इसको अच्छा प्रमोट करने है सर, मैं तो सिर्फ टूथपेस्ट और ब्रश पे काम कर रहा हूँ। राइट राइट राइट, वही है सर, वो की है और अच्छा सा आपने मतलब अगर आइडेंटिफाई कर लिया है तो आसान हो जाएगा ये बिजनेस करना। थैंक यू सो मच रोहित सर एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। लास्ट में मांगीराम जी को अनम्यूट करूंगा, इसके बाद में हम लोग सेशन क्लोज करेंगे कंपनी मोटो के साथ में। मांगीराम सर मैंने आपको अनम्यूट किया है। थैंक यू सर अनम्यूट करने के लिए। सर आज को जो सेशन है आपने जो अरेंज किया है इसलिए आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तो आज का जो हमारा लिटिल डायमंड मास्टर जो इंग्रेडिएंट्स बताया जाए इसके ऊपर कोई बात ही नहीं हो सकता मेरे समझ में। तो आज का जो प्रोपोलिस का जो उन्होंने जो इंग्रेडिएंट्स प्लस उसका बेनिफिट्स जो बताया शायद इससे ऊपर और बोलने का कोई जरूरत ही नहीं है। इसको हम कोई किसी को बोले तो वो अपने आप से ले जाए प्रोपोलिस। तो ये मैं आपको इस पहले आपको बताया था टेस्टिमोनी के बारे में। तो हमारा बेटा का सर में जो चोट आया था आपको मैं भेज दिया हूँ। तो दो दिन प्रोपोलिस लगाने के बाद आज मैं बेटा का सर धो दिया शैम्पू का, देखिए आपको मैंने भेज दिया था कितना सारे चोट आया था, कितना बड़ा चोट आया था, मैंने डॉक्टर की दवाई भी नहीं दी और डॉक्टर दिखाई भी नहीं। ठीक है तो आप देख सकते हैं किस तरह रिजल्ट देता है प्रोपोलिस हमको, किस तरह रिजल्ट है इसको, इस तरह हमारा इतना सारे टेस्टिमोनियल हमको आप सुना है, बहुत सारे टेस्टिमोनियल है। तो कैसा प्रोपोलिस काम करता है तो इससे ऊपर कोई बात ही नहीं हो सकता। थैंक यू सर। ऑलराइट, थैंक यू सो मच मांगीराम सर। और हम लोग सभी एक बार चेयर अप करें अरुणोदय को, क्योंकि सभी को मैं एक बार साथ में अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूं और इसके बाद हम लोग कंपनी के मोटो के साथ में जो है वो सेशन क्लोज करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल से थैंक्स टू हिम, इन्होंने हमें इतनी डेप्थ में जानकारी दी इतनी कम उम्र में। राइट, सभी लोग अनम्यूटेड हैं, आप कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हैं, तालियां बजा सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू अरुणोदय, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। हम लोग कंपनी मोटो दोहराते हैं, थैंक यू। राइट, are you ready for the company motto? Yes. Right. Here is the trick, create the vision. Thank you so much.